का जवाब नहीं। अच्छा। मतलब एकदम काफी समय के बाद एकदम लेटेस्ट स्टोरी आई है, डायरेक्शन बढ़िया स्टोरी लेकर आए, पील रहा है आनंद, पील रहा है। जवाब भी नहीं, हर लड़की ये सोचती हो कि मेरा भाई ऐसा ही हो अक्षय कुमार जैसा, जैसे अक्षय कुमार बहुत अच्छी फाइट करते हैं, उन्होंने कॉमेडी भी बहुत अच्छी की। मेरे हिसाब से देखो, मुझे तो फिल्म के अंदर कोई कमी नजर नहीं आई, मैं तो 5 में से 5 ही नंबर दूंगा। वो फिल्म के अंदर फाइट भी है, गाने भी अच्छे हैं, इमोशनल भी है। वो फिल्म ने बार बार रुलाया और बार बार हंसाया, बार बार रुलाया और बार बार हंसाया। बहुत बढ़िया स्टोरी है, बहुत डायरेक्शन बहुत अच्छा है डायरेक्टर का। मैं तो 5 में से 5 ही देना चाहूँगा, बाकी सभी लोगों की इच्छा है कौन कितना दे रहा है। और जो लड़की है ना, जो नई लड़की आई काम करने के लिए, उनका भी काम का जवाब नहीं। और हीरोइन तो जब वो हंसती है तो ऐसा लगता है जब बिजली कड़क रही हो। भूमिका पेंडेगल नाम है उनका। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया मूवी, एकदम एक नंबर। रक्षाबंधन आपने मूवी देखी है, आपको कितनी पसंद आई है? देखिए शुरू से ले रहे हैं, रक्षाबंधन के दिन रक्षाबंधन मूवी देखी, और रक्षाबंधन का महत्व भी है आज, और हम लोग भी भाई बहन राखी बांधेंगे सब। लेकिन जिस नाम से ये पिक्चर बनाया गया है, वो सीन इसमें नाम मात्र का भी नहीं है। राखी बांधने का जो सीन है वो दिखाया ही नहीं है इसमें, तैयारी दिखाई उसके बाद ट्रेजेडी हो गई। अब सवाल है कि इंटरवल के पहले अक्षय कुमार ने बहुत हंसाया, वो दिल्ली वाली भाषा बोल बोल के सबको हंसाया, कॉमेडी है। इंटरवल के बाद थोड़ी ट्रेजेडी है, थोड़ा इमोशन डाला है, पिक्चर एवरेज है। भूमिका काम अच्छा है, अक्षय कुमार जी का रोल अच्छा है, अक्षय कुमार जी डाउरी बेस पिक्चर बनाए हैं और जागरूकता पैदा किया है कि हम लोग जब भी कोई प्रेग्नेंट औरत होती है तो बच्चे की कल्पना जो करते हैं वो ही की करते हैं, सी की नहीं करते हैं कि लड़का हो। लेकिन लड़का अगर लड़की से डाउरी मांग के शादी करके उसके बाद भी उसको तंग करे, और हर त्यौहार में, तीज त्यौहार में उसे मांगने 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 का ही हक रखे, तो वो इसमें दिखा है कि वो बहुत ही गलत है, और वो एक मुद्दा ज्वलंत है और नहीं करना चाहिए। वो एक सीख मिलेगी इससे, ये मैसेज ये देना चाह रहा अक्षय कुमार। म्यूजिक में कोई दम नहीं है, वो माता जी का और एक दो गाना है, लेकिन उसमें कोई उतना इंटरेस्ट नहीं। ओवरऑल अगर लोग ये मूवी क्यों देखें, क्या कुछ सीख मिल रही है इसमें? देखिए मैसेज है डोरी का कि लड़कियों को इतने अपने पैर पर इतना खड़ा होना चाहिए कि वो दलाल और मीडिएटर और माँ बाप जहाँ बांधना चाहे वहाँ बंध जाए, उससे दूर हो जाए और अपने आप अच्छा डिसीजन ले। आउट ऑफ 5 इसमें एवरेज मूवी है, 2.5-3 स्टार ही होंगे। थैंक यू। रक्षाबंधन पिक्चर में रक्षाबंधन मूवी देखी, आपको कितनी पसंद आई? बहुत अच्छी अच्छी फिल्म बनाई, बहुत पसंद आई मेरे को। और अक्षय कुमार का हर एक किरदार जो है अलग अलग किरदार किया, रोना भी है रसना भी है, वो बहुत अच्छा उन्होंने बताया, फाइट का भी बताया थोड़ा, तो अच्छा ही बताया। और जो बताया डेज के ऊपर, डेज के ऊपर जो स्टोरी चलता है आजकल वो सब चल ही रहा है बरसों से, अच्छा बताया, अच्छी फिल्म है। मूवी में अगर म्यूजिक की बात की जाए, म्यूजिक म्यूजिक बहुत अच्छा है, म्यूजिक भी ठीक है, गाने में एक उतने नहीं है, लेकिन स्टोरी पिक्चर है, क्योंकि लंबी पिक्चर है, बड़ी पिक्चर है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में बना है, पिक्चर बड़ी है। अभी 4 बहनें हैं, उसकी शादी करना है, और उसको बहुत यानी पिक्चर को और टाइम चाहिए, वो नहीं हुआ, यानी एक का हुआ, एक में भी पिक्चर ये हो गई है, और 3 बाकी है, उसके बाद शायद और आएगी पिक्चर तो हो सकता है 2nd 3rd बनना। आज रक्षाबंधन भी है, साथ ही ये मूवी रक्षाबंधन रिलीज हुई है, कितना कुछ खुद से रिलेट कर पा रहे हैं? नहीं नहीं बहुत अच्छा है, त्यौहार के दिन रिलीज हुई है, और पिक्चर को 5 में से 5 मार्क मिलेंगे, पिक्चर भी अच्छी बनी, पिक्चर अपने को पसंद आई, बाद में दूसरे को आवे कि नहीं आवे, मेरे को अच्छी लगी। आउट ऑफ 5 आप कितने स्टार्स देंगे? 5 में से 5